हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम इसकी डायफ्रेम जो है इसकी चेंज करने वाले हैं। तो कैसे करते हैं फुल डिटेल वीडियो तो एंड तक देखना, और प्लीज़ जाओ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 1000 सब्सक्राइबर हमें जल्दी कम्प्लीट करने हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आप देख सकते हो ये पूरी ख़राब हो चुकी है, ये फट भी चुकी है। मैंने थोड़ा फ्यू स्टिक से चिपका के काम करने के लिए किया था। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर मैंने फ्यू स्टिक लगाया हुआ है। आपको एक बार अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ मैं। ये देखो क्रैक देख सकते हो आप। तो इसे हम चेंज करेंगे, इसे सीधा खींच लेना है बाहर। ये ओपन नहीं होती तो इसे सीधा फाड़ देंगे कुछ इस तरह से। आप देख सकते हो पूरी बाहर निकल चुकी है अभी। तो इसे पहले पेट्रोल से अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे और फिर लगाएंगे हम डायफ्रेम। चलिए, तो आप अभी देख सकते हो नए वाले डायफ्रेम है, तो इसको इजीली से इंस्टॉल करते देख सकते हो आप। अभी इसको पहले आपको थोड़ा खींच लेना है, आगे से ऐसे लगा देना है। अब देख सकते हो एकदम आराम से लग गए। अब इसे आराम आराम से अंदर दबा देना है कुछ इस तरह। डायफ्रेम लग जाने के बाद आपको चारों तरफ से खींच के देख लेना है, सभी तरफ से कहाँ गैप है, कहाँ से बाहर आ रहा है। जहाँ से बाहर आ रहा है वहाँ से थोड़ा दबा देना नाखून से। स्क्रू ड्राइवर से मत दबा देना है, तो शायद से वो फट भी सकता है, डर रहता है इसके लिए। अगर आपके पास स्पेयर में तो आप ट्राई कर सकते हो। एकदम परफेक्ट है, तो अब इसके अंदर हम लगा देंगे। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक्स करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, 1000 सब्सक्राइबर हमें जल्दी करने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।